अब रिजल्ट्स क्या रहेंगे इसके? न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करने से पहले हम ये देख लें चार स्टेप क्या बोले, जरा देखूं कौन कितना सुन रहा है। पहला स्टेप कोई बोलना चाहेगा? नो मिल्क, वेरी गुड। सेकंड स्टेप फास्टिंग, फास्टिंग राइट। थर्ड परफेक्ट, अरे वाह। फोर्थ एनिमल, और खाना कितना है? 70-30, और खा पी के सो जाना है। साइंस क्या बोलता है? खा के आप एक्सरसाइज करो, वॉक करो, ये करो। चौहान साहब बोलते खा पी के सो जाओ, क्योंकि जनरली क्या होता है खाने के बाद जो है आपको जो है ना सुस्ती चढ़ जाती है, लेकिन हम कभी वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं। हम सोचते हैं नहीं खाने से ताकत आती है, गलत। नहीं खाने से ताकत आती है, कभी अनुभव करके देखो। ये माइंड से हम खाते हैं, अरे 2 बज गए, चलो लंच का टाइम हुआ, भूख लगी नहीं लगी बाढ़ में जाए खा लो, टिफिन आया चलो उसको वेस्ट नहीं होने देते। लेकिन पेट वेस्ट हो रहा है ये तो देखो, शरीर वेस्ट हो रहा है ये भी तो देखो। तो ये टाइम के साथ चलना बंद करिए, शरीर की मांग के हिसाब से खाइए आप। तो फायदे क्या है देखते हैं। वेट लॉस होगा, जैसे ही आपका टॉक्सिन निकलेगा आपका वेट उतर जाएगा, कई लोग के अनुभव है मैं सुनाऊंगा उसके लिए। और लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा फर्क मैंने भी अनुभव किया है और लोगों ने भी किया है कि हल्कापन महसूस करते हैं हम लोग। जैसे टॉक्सिन निकलता है आदमी एकदम रिलीव्ड रहता है। बॉडी क्योर्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेस, हर बीमारी को नाबूद कर देता है ये। प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड भी रहता है, बोलते ना जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा हम खुराक खाते हैं ऐसा ही हमारे विचार भी हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम बिकम्स स्ट्रॉन्गर, मेरे ख्याल से ग्रीन जूस में थोड़ा हमला ज्यादा ही हो गया, सभी लोग उठने लगे हैं तो जरा डर गया हूं मैं। इम्यून सिस्टम बिकम स्ट्रॉन्गर, क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप आप देखना, इतनी ऐसी नींद आपने कभी करी नहीं होगी, इतनी अच्छी नींद आती है और डीप स्लीप होती है, और जब आप उठोगे तो एकदम फ्रेश रहोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। एनर्जी लेवल तो बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे आप करने लगोगे महीने में भागने लगोगे, आपको थकान क्या है 1-2 महीने में तो आप भूल जाओगे। इतनी ताकत रहेगी कि आप 16 घंटे भी काम कर लो आपको थकान नहीं लगेगी। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी है इसमें, लेकिन वो आगे की बात है, फिलहाल हम रोक तक चलते हैं। और जैसे जैसे आप साधना करोगे उस चीज का भी अनुभव आप करते रहोगे। कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होता है इससे, तो ये जो है फायदे हैं इसके। रिकैप कर लिया वैसे तो कर चुके हैं। नो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यू शुड बी फास्टिंग फॉर 16 आवर्स, 16 घंटे डिनर से लेके, बराबर। फिर स्टेप 3 क्या है? ब्रेक योर फास्ट विथ ग्रीन जूस, डू नॉट ड्रिंक वॉटर बिफोर ड्रिंकिंग द ग्रीन जूस, ठीक है। आफ्टर ग्रीन जूस यू कैन हैव रॉ फूड दैट इज फ्रूट्स सैलेड्स जूसेस एटसेट्रा। मील इन द इवनिंग शुड इन्वॉल्व 30% ग्रेन पल्सेस राइस एटसेट्रा एंड 70% ऑफ सैलेड एंड वेजेस। स्टेप 4th इज एनिमा, संजीवनी क्रिया, 2 times daily फॉर एटलीस्ट 1-3 months। अब हम ये देखते हैं समरी ऑफ न्यू डाइट सिस्टम। आज की तारीख में हम क्या कर रहे हैं? सुबह नाश्ते कर रहे, चाय नाश्ता, बराबर। इसमें क्या करना है? नो ब्रेकफास्ट। दोपहर में लंच कर रहे फुल मील्स, इधर क्या कर रहे हैं हम लोग? जूस और फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं। इवनिंग में इधर फिर चाय नाश्ता आ रहा है, इधर जूस पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं आप।
डिनर में इधर जो है फुल कुक्ड फूड, नान पराठा सब खा रहे इधर, और इधर जो है कुक्ड फूड लेकिन 30% ग्रेन 70% वेजिस एंड सैलेड खा रहे हैं। दोनों में फर्क क्या होगा? इधर जो हम खाते हैं इससे टेंशन, डिजीज और अनहैप्पीनेस मिलती है, इधर क्या मिलता है? कंपैरेटिवली डिजीज फ्री, लेसर टेंशन, लॉन्ग लाइफ और हैप्पीनेस मिलेगी। अब कोई फास्ट ट्रैक पे जाना चाहे कि मुझे एक महीने में रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए ये डाइट है। ये डाइट जो है मॉर्निंग में नून ये जो खा रहे थे सब छोड़ के सिर्फ हम लोग रॉ खाएंगे। जो रॉ खाता है उसको रिजल्ट बहुत बहुत फास्ट मिलेगा। कुक फूड जिसने भी नहीं खाया समझो और सिर्फ रॉ पे जी रहे हैं उसकी बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। 3 महीने का रिजल्ट 1 महीने में मिलेगा आपको। तो अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो कुक फूड बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, खाली रॉ खाइएगा, और रॉ में फ्रूट वेजिटेबल्स जितना भी, लेकिन अगेन उबले हुए भी नहीं खा सकते हैं। गैस पे चढ़ाना ही नहीं है हमको, क्योंकि क्या होता है जैसे गैस पे हम चढ़ाते हैं पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है इसकी। जैसे गैस पे रखा तो उसके तत्व सब चले गए, आपको जो भी आप खा रहे हैं वो टॉक्सिन खा रहे हैं और कुछ भी नहीं।